दोस्तों, क्या आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर चुके हो या करने वाले हो? आपको मालूम है कि कितना आजकल वेटिंग टाइम चल रहा है स्पाउस वीजा के लिए इंडिया से। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि 16 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है सरकार ने। जितने भी हाई कमीशन्स हैं वहाँ पर, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और चंडीगढ़, टोटल का कॉम्बिनेशन है इसका कि 16 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली एक 80% ऑफ केसेस, सारे तो नहीं, 80% ऑफ द केसेस को, पिछले जो केसेस चल रहे हैं अभी पिछले साल तक, अभी तक उसमें इन्होंने एवरेज, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, पर एवरेज इन्होंने 16 हफ्ते का एक प्रोसेसिंग टाइम बताया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी मालूम पड़ रहे हैं आजकल जिनको 4 महीने से ज़्यादा, 5 महीने या 6 महीने भी लग रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका केस पेंडिंग है, क्या आपका केस भी इतना लंबा चल रहा है? और अगर नहीं चल रहा है तो प्लीज़ बताएं, कमेंट करके बताएं मेरे को कि कितना आपके कितने टाइम में केस हुआ। अगर आपके केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन शायद चल रही है, इंटरव्यू की जो ज़रूरत है, शायद उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो। लेकिन अगर आपका केस जल्दी हो रहा है, 16 हफ्ते से पहले हो गया, तो प्लीज़ मेरे को बताएं। आपको क्या मालूम है कि टोटल जो वर्क परमिट की एप्लीकेशंस लगती हैं इंडिया से, वो कितनी एप्लीकेशंस होती हैं? तीन जो हमारे कौंसुलेट्स हैं, टोटल कितनी एप्लीकेशंस अप्रॉक्सीमेटली आती हैं इनको? कितना टाइम लगता है, कितने इनका पास इन्वेंटोरी है, कितना इनके पास वर्कलोड है? तो मैं आपको उसके थोड़े आंकड़े बता लूँ आपको, शायद आपको पता हो या नहीं है तो शायद आपको तासुब जरूर होगा। 2017 की बात करें, 2017 की बात करें, करीब करीब 11,300 एप्लीकेशंस पिछले साल आई 2017 में न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और बेंगलोर के पास वर्क परमिट की एप्लीकेशन है। और वर्क परमिट तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे LMIA वाला और LMIE एग्जेम्प्ट। तो सारे एप्लीकेशंस, करीब करीब 11,307 एप्लीकेशंस आई हैं पिछले साल, और इस साल अभी तक भी काफ़ी एप्लीकेशन आ चुकी हैं। और ऑन एन एवरेज 1,000 एप्लीकेशंस एवरी मंथ आती हैं कैनेडियन सरकार के पास इन इंडिया। बेंगलोर, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली पे सारे को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1,000 एप्लीकेशंस एवरी मंथ आती हैं। और आप देख लें कि ऑन एन एवरेज तीनों को मिला के 30+ 30 एप्लीकेशंस एवरी डे तीनों में वो वीज़ा ऑफिसर्स करते हैं। तो अगर आप माने कि दिल्ली ज़्यादा बिजी है, चंडीगढ़ ज़्यादा बिजी भी वो होगा, बेंगलोर इतना बिजी नहीं है, तो आप मान के चलें कि 10-10 एप्लीकेशंस एवरी डे प्रोसेस हो रही है। टेक्स टाइम फॉर देम टू लुक एट द एप्लीकेशन। तो 1,000 का एक कोटा है। क्या आपको और मालूम है कि अप्रूवल रेट क्या है, परसेंटेज रेट क्या है कि अप्रूवल होने का, उसका भी मैं आपको बता दूं। शायद आपको बताना हो और पता हो तो वेरी गुड। कि अप्रॉक्सीमेटली जो दिल्ली में और बेंगलोर में है, अगर 100 एप्लीकेशन लगी हुई है, 100 एप्लीकेशन में 2/3, मतलब 66% जो है, 2/3, 3 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन पास होती हैं और 1/3 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स के 3 एप्लीकेशन में से 2 पास होंगी और 1 रिजेक्ट होती है ऑन एन एवरेज। चंडीगढ़ में हाल बहुत ही उल्टा है। चंडीगढ़ में अगर आपकी 10 एप्लीकेशन लगी हैं, तो 10 एप्लीकेशन में से 6 डिनाई होंगी और जो 3 जो है अप्रूव होंगी। डैट मीन्स के अप्रूवल रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 1/3। तो ऐसा माने कि अगर 3 एप्लीकेशंस होनी है अगर सारे दिन में, तो 3 एप्लीकेशंस में से 1 एप्लीकेशन पास होगी और 2 एप्लीकेशंस डिनाई होगी। ये स्टैटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट के, मेरा अपना सोचा समझा, कोई वो प्रोजेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट की जो प्रोसेसिंग टाइम है और उसका जो अप्रूवल रेट है, उसके बारे में आपको बताना चाहता था। और आप देख लें, शायद आपको आपके शायद इन्फॉर्मेशन काम आए। पर एनी वे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि आपकी एप्लीकेशन को कितना टाइम लगा, या आपके दोस्त वगैरह के किसने अप्लाई किया उसका जल्दी हो जाए, हो गया हो, तो मेरे को जरूर लिख के बताएं। लेकिन मेरे को लगता है कि इस वक्त, क्योंकि जो एक मौसम चल रहा है, एक बहार चल रहा है वर्क परमिट का इंडिया से, जैसे मैंने बताया 1,000 एप्लीकेशंस एवरी मंथ तीनों काउंसिल्स पे आती हैं और वर्कलोड बहुत बड़ा हुआ है और इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट्स डालें अपना और लोगों के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट मोर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच।